नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो ये आप देख रहे हो फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स T20 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, और ये है बॉश कंपनी का पंप इनलाइन पंप के साथ है। तो आपको कुछ बताएंगे इस ट्रैक्टर के बारे में, तो भाई साहब बताएंगे इस ट्रैक्टर के बारे में किसान भाइयों को कब तक ये मिल सकता है और कब नहीं मिलेगा, ये सारी आपको बताएंगे। तो नमस्कार भाई साहब, नाम पता है, एड्रेस का सब बता दी। नाम है विपिन शर्मा, है एसके मोटर्स समाल का पानीपत। अच्छा, ठीक रोड। हाँ जी, ये है जी हमारे पास फार्म ट्रैक का 60 EPI पावर मैक्स सीरीज का ट्रैक, क्लासिक प्रो T20 20 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। अच्छा, तो ईसा क्या कर दिया कंपनी ने कि यो किसान भाइया ने ये बे मिल सका फिर ना मिलना अगली साल। ये जी इनलाइन पंप के साथ आता है, है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, ये 55 HP की कैटेगरी का, 55 HP का ही ट्रैक्टर है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा 55 HP। 31 मॉडल है ये, है 31 मॉडल। ये सुपर सीडर के लिए स्पेशलिस्ट है, 8 फुट का सुपर सीडर, 8 फुट का रोटावेटर, 9 की हैरो, 11 का कल्टीवेटर, 2 MV प्लाव, कंप्यूटर की बॉडी, सिंपल बॉडी, कैसे भी चलाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा ट्रैक्टर उसको। अच्छा, फिलहाल नुका है कि वो एक दो भी ना मिल लगा, उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है जी, जो सरकार के नियम है, है। उसके ऊपर BS4 BS6 के थ्रू जो कंपनी के ऊपर पोल्यूशन की वजह से जो कंपनी के ऊपर नियम लागू करे हैं, उसके हिसाब से कंपनी फिर इसमें थोड़ा चेंजिंग दे देगी। तो उसके लिए अभी ये जो स्टॉक है फिलहाल के लिए वो ही है, अभी थोड़े दिनों बाद। तो ये अच्छा, मतलब ईब किसान भाई ने लेना होता ईब कितने दिन तक ही ले सका है इस ट्रैक्टर? कम से कम आपको 2 महीने तक अवेलेबल रहेगा, 2 महीने तक। उसके बाद इस ट्रैक्टर का इस नाम का क्या होगा फिर, वो और बताओ। ये फिर उसके बाद यही रहेगा, फार्म ट्रैक 60 EPI पावर मैक्स, पूरा का पूरा सेम एज इट इज रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो 55 HP है ना, हाँ, यहाँ पे फिर 55 HP की जगह 55 HP कैटेगरी लिखा जाएगा, CAT। अच्छा, हाँ, ये F31 मॉडल है, वो F41 आ जाएगा। अच्छा, उसमें ये है कि वो 55 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर होगा, वो पूरा नहीं होगा। अच्छा, हाँ, उस पर फिर 55 HP की पावर नहीं लगा पाएगी। तो उसमें मतलब मिल जाएगा सब कुछ, नाम भी वही होगा, सारी चीज CRDI इंजन हो जाएगा उसमें? नहीं, CRDI सेगमेंट में CRDI अभी तक कंपनी ने लॉन्च नहीं किया, और ना ही कोई विचार है। CRDI केवल 60-55 में या उससे ऊपर के जो ट्रैक्टर आते हैं हमारे। अच्छा, अच्छा, तो भाई इस ट्रैक्टर के बारे में बताओ, मतलब किसान भाई आता है इस ट्रैक्टर की खूबी? खूबी जी है इसमें 3 सिलेंडर है, कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप है, जो ये इसके साथ वाटर सेपरेटर आता है। अच्छा अच्छा, एक सिंगल दे दिया इसमें डीजल फिल्टर। अच्छा, पहले अच्छा, दो आते थे, भी सिंगल दे दिया कंपनी ने, इसमें इम्प्रूवमेंट कर दी। इसके अंदर ही 3 फिल्टर है, इसके बाद ही बिल्कुल प्योर डीजल। अच्छा, आपके पंप तक जाएगा और जो आगे इंजन में जाकर अपना काम। ठीक ठीक, तो मतलब CRDI में ही कोई मतलब आपने CRDI में कंपनी ने फिलहाल लॉन्च नहीं किया है। अच्छा, फिलहाल ही थी लॉन्च नहीं किया में, फार्म ट्रक 60-55 भी आया है। अच्छा, वो भी डिमांड पर आता है, जैसे आपने चाहिए है उसका। अच्छा अच्छा, तो 60 का ही मतलब पूरा नोनी बेरा आओगा नहीं आओगा उसका नहीं बेरा का सस्पेंशन है पूरा। अच्छा, इसका भी पक्का पता नहीं है आएगा नहीं आएगा, वो कंपनी वाले जाने। डबल पंप दे दिया। अच्छा, जिसने चाहिए मतलब 2 महीने तो ये मिल सका है ये फिलहाल इसमें? ये डबल पंप दे दिया। अच्छा, ये पावर स्टेयरिंग के लिए, हाँ, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए। ठीक, हाँ जी, हाँ ठीक। और ये इसमें इसका लिफ्ट की कैपेसिटी के लिए पंप है, हाँ, ये इसका डीजल फिल्टर है, इंजन वाला फिल्टर है, और ये इसका पावर स्टेयरिंग दे दिया, इसमें डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है। अच्छा, डबल एक्टिंग है, एडजस्टेबल एक्सल है। अगले टायर है 750/16 के, हाँ, बड़े टायर है जिसके द्वारा ग्राउंड क्लीयरेंस भी बहुत ज़्यादा है, हाँ, बडलिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद पिछले वाला टायर है 1628 का। अच्छा, गुडियर कंपनी का, ब्रांड न्यू, बिल्कुल खेत में सही काम करेगा। और पायदान वगैरह सारे, हाँ, पायदान बिल्कुल फ्लैट, हल्का सा पंप है, हैं। बाकी ब्लेड बड़े पायदान दे दिए हैं, हीट गार्ड लगा दिया कि ड्राइवर काफ़ी लंबे समय तक काम करे, ट्रैक्टर चलता रहेगी तो उसके ऊपर कोई भी इंजन की गर्म हवा वगैरह उसके पैरों पर ना लगेगी। ठीक ठीक, बिना थके काम करेगा। और टैंकी के बारे में बताओ, कितने लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जिसकी? अच्छा, 55 लीटर डीजल आएगा, एक बार भरवा का पूरा दिन आप आराम से काम करते रहो, बार बार डीजल डलवाने की जरूरत नहीं है।
सीट है जिसकी बड़ी कंफर्ट सीट है, आगे पीछे ऊपर नीचे अपने वेट के अनुसार 5 तरह से सीट पर एडजस्ट कर सकते हो आप। ठीक 320 गियर को इस तरह से खा लाता है, ये सुपर सीटर के लिए बिल्कुल स्पेशली ट्रैक्टर है, बिल्कुल बड़े आराम से चलाएगा। और कीमत में को घाट बाद हुई है कीमत का? तो देखो जी कीमत का पता करने के लिए तो आपको शोरूम पे ही विजिट करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ जी। और लिप्टा के बारे में और बता दो, मतलब इसकी 2200 केजी की लिफ्ट बैठती है। अच्छा। मीटा कंपनी की लिफ्ट है जो जेएसवी में यूज होती है। अच्छा। वही 2200 केजी की लिफ्ट बैठती है। अच्छा 2200 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी है। इसकी आर्म देखो कितनी मजबूत है, लिंक देखो कितनी हैवी है, तो इस पर बिल्कुल आराम से आप कितना भी वजन उठा सकते हो बगैर किसी दिक्कत परेशानी। और एडजस्ट करने के लिए दोनों साइड है, दोनों साइड दे रखे हैं, दो ऑक्सिलरी वाल्व है ये। हाँ ये डबल ऑक्सिलरी। हाँ इस पर टिपिंग ट्रॉली या लेजर लेवल। और एक ये बताओ 5 साल की वारंटी किस किस चीज की दे कंपनी? 5 साल की इसके पूरे फुल टैंक की वारंटी है। अच्छा। इंजन की, गियरबॉक्स की, क्लच की, पीटीओ की, हर एक चीज की, या 5000 घंटे जो भी पहले हो जाएगी। ठीक। तो ये दो भी नेते ही मिल जाएगा, तो इसमें 5 साल थी इसमें भी वारंटी मिल जाएगी? हाँ जी हाँ बिल्कुल। हाँ ट्रैक्टर की पूरी वारंटी है। अच्छा पूरी वारंटी है। हाँ जी हाँ। ठीक। तो ये था भाई फार्म ट्रैक पावर मैक्स 60 EPI। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद दोस्तों।